टाइम हो रहा है 9 बजे का और यहाँ देखिए कौन उठ गया। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? आरू उठ गया है। और मेरा गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुपर घड़ी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब बताइएगा। तो मॉर्निंग के होने वाले हैं, 9 बजने वाले हैं और मॉर्निंग का ऑलमोस्ट मेरा सारा काम डन हो गया है। बस मुझे बनाने हैं अब पराठे। और मेरा जो आरव है वो सो रहा है और आरू हाँ देखिए क्या कर रहा है, ये उठ गया है। और मैं प्रेस करने लग रही थी, मैंने सोचा चलो कपड़ों में प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि आज है हल्दी। और जो सुबह होगी अभी होगी 10 बजे हल्दी और शाम को मामा स्वागत है, तो मैं हम लोग जाएंगे वहाँ पे। तो आज है मेरी ब्लॉगिंग का, जो बोलते हैं ना मेरी जो सीरीज़ है, जो ये शादी वाली सीरीज़ है उसका डे 3। तो मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे होता है हमारे हिमाचल में, हमारे सिरमौर में। क्या खा रहे हो? तो हमारे हिमाचल में कैसे की जाता है, कैसे करते हैं हल्दी हाथ, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो मैं प्रेस कर ही रही थी, मैंने आरू का ये वाला ही ड्रेस निकाल दिया जो पहले भी इसने एक बार पहना हुआ है, तो इसमें कर दूंगी प्रेस। और मैंने ये येल्लो वाला निकाल लिया है। तो इस येल्लो वाले का ना मैंने बस यही लॉकडाउन के चक्कर में और सब कुछ इनके चक्कर में ना मैं मार्केट नहीं गई हूँ, और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा बीच में बिजी चल रहे थे इसीलिए। तो मैं आप देखती हूँ इसके साथ कौन सा दुपट्टा वेयर करती हूँ, तो दिखाऊंगी आपको। और बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ, आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे रिचुअल्स और बहुत अच्छे अच्छे डांस देखने वाले हैं। तो चलिए फिर चलते हैं और कर लेते हैं फटाफट प्रेस। तो यहाँ आरू हो गया है हाफ रेडी, इसने ये पजामा पहना है क्योंकि इसने अभी पैम्पर नहीं पहना है। यहाँ पे है गुन्नू। हाय गुन्नू। हेलो। गुन्नू भी हो गया रेडी, अब हम लोग निकल रहे हैं। आरव निकल गया अपनी दादी के साथ। तो चलो आरू, तो यहाँ ले लिया मैंने सामान, बाय बाय कर दो, बाय कर दो। मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने ये वाला पहन लिया है सूट, इसके साथ दुपट्टा नहीं था तो मैंने इसके साथ ये वाला पेयर कर लिया है। और आरू है यहाँ, गुन्नू है यहाँ और हम लोग जा रहे हैं। खसी भी होगी तो बताना मैं कैसी लग रही हूँ। मैं आउटफिट दिखाऊंगी अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो, नहीं तो चलते हैं और मिलूंगी आपको मैं सीधा शादी में। निकल गए हैं मेरे हस्बैंड, पैंपर लेने गए थे बट उनको कुछ काम बोल दिया तो वो सीधा ऊपर ही गए हैं। हम लोगों ने ले लिया मास्क भी ले लिया। हाँ, और आरव चला गया था, हमने मम्मी आए ना तो मम्मी तो रेडी होके ही आए थे और फिर सीधा निकल गए वहाँ पे। और अब हम लोग जा रहे हैं, आरू के हेयर देखूंगी मैं, वहीं बनाऊंगी या फिर कुछ। तो चलिए चलते हैं शादी वाले घर में हल्दी हाथ देखने के लिए। बने रहिएगा मेरे साथ और वीडियो पसंद आती तो लाइक पक्के से कीजिए, ओके है ना भाई? वहाँ देखो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। कैसे, अच्छी नहीं लग रही? ढोलक मास्टर हाय। और वहाँ देखो, वहाँ देखो ये जैन। हाय जैन, हेलो। बड़ी मम्मी को मम्मा वहाँ कर दो। देखो हमारा आरू, आरू आरू। और ये मेरी देवरानी का बेटा जैन, और ये है हमारी बड़ी मम्मी, वो है मेरी फूफू सास, ये मेरी दीदी। हाय, देखो यहाँ आरू, आरू यहाँ देखो। हाँ, और यहाँ देखो फोटो शूट हो रहे हैं। ये मेरी देवरानी है दोनों, आरती वो ट्विंकल, तो यहाँ पे हो रहे इनके फोटो शूट। हाय हाय, हेलो अर्शु। तो यहाँ पे हल्दी की आरती की थाली हो गई है रेडी, जो कि कर रही है मेरी सासू माँ और यानी कि दूल्हे की जो बुआ है ना, मेरी मम्मी है सबसे छोटी बुआ, तो वो कर रही है तैयारी। और यहाँ हो रहा है अब हल्दी हाथ, और सबसे पहले मम्मी करेंगी दूल्हे को हल्दी। तो देखिए अभी बहुत सारे गाने चलेंगे। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ हल्दी जो होती है वो कैसे की जाती है। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। हम तो
तेरे पापा ने ये पाया, इस लंबे ने ये पाया, जारे ने ये पाया, गुस्से वाले ने ये पाया। हाय दी गए कहा है दूसरी, जा ले गया उसको। यहाँ देखो मेरी दोनों ट्विंस ट्विंस प्रिंसेस हैं, हमारी ट्विंस प्रिंसेस। हाय हाय, कैसे हैं आप? तो ये बताना कैसे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं ना? हेलो गाइस बोल दो। चलो गार्डन। वहाँ हो रहा है फंक्शन, ये घर। आज मेरी मेहंदी लगा रहे मेरी छोटी सी ननन, ये मेरी छोटी ननन। नहीं कितने अच्छे। तो हल्दी हो चुकी है, अब दूल्हे की लग रही है मेहंदी, जो कि मेरी देवरानी लगा रही हैं मेरी चेची को। और यहाँ मैं भी अपनी थोड़ी बहुत मेहंदी लगा रही हूँ, तो और सब लोग एक दूसरे की मेहंदी लगा रहे हैं। और यहाँ पे जेठ जी को मेहंदी लग चुकी है और मैंने भी ऑलमोस्ट अपनी मेहंदी कर ली है फिनिश। फ्रंट हैंड में मेरी ननन ने लगा दिया था और पीछे लगा लिया है मैंने। और यहाँ देखो ये कोने गंदा बच्चा जो रो रहा है, इतना ज्यादा रो रहा है, परेशान कर रहा है। आरू ने ड्रेस चेंज, आरू ये रो, देखना जरा इधर, वो देख ऐसे लगी थी गर्मी। आदू यहाँ देखो, हम लोग हो गए हैं रेडी। मैंने पहन लिया ये वाला सूट जो मैंने उस दिन दिखाया था, और हल्का सा मेकअप, जो मेकअप होता है वो कर लिया, हल्का तो नहीं थोड़ा ज़्यादा सही कर लिया, मेकअप कर लिया है, कान में पहन लिए इयररिंग्स, और अब हम हो गए हैं रेडी। इसका दुपट्टा बिल्कुल सिंपल है, और ये वाला ले लिया है मैंने हैंडबैग, बच्चे का बहुत सारा सामान है इसमें। तो चलिए फिर चलते हैं मेरे साथ और मैं दिखाती हूँ कौन कैसा कैसा लग रहा है। आरव है ना, आरव तो आरव ने पहना है ये वाले शॉर्ट एंड जीन्स, और आरव ने ये पहना है। हेलो आरू। और मेरे हस्बैंड ने ये पैम्पर इसी में डाला, पैम्पर तो रहा। तो मेरे हस्बैंड है यहाँ पे, हो गए रेडी। हेलो, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने थोड़ा मैचिंग पहना है, और आरू और आरव ने मैचिंग पहना है। डम डम नाचो वाले होते हैं ना, वो मामा का स्वागत करने जाते हैं। तो ये सारे हम सब नीचे जा रहे हैं घर का। हिमाचल में यहाँ पे जो मामा स्वागत होता है वो बहुत ही ग्रैंड होता है, बट आजकल कोरोना के चक्कर में ना तो इतना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी ही फैमिली आई है, मामा और भी बस थोड़े कुछ लोग ही आए हैं। तो चलिए मैं दिखाऊंगी कैसे कैसे करना है। और देखो आरव यहाँ पे और वो मेरे ननंद है, उनके हस्बैंड आए, मेरे जेठ जी हैं। तो यहाँ पे मामा स्वागत हो रहा है, तो मामी जो है हमारी वो अपने भाइयों का स्वागत कर रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है, बहुत ही धूमधाम से स्वागत होता है जो मामा होते हैं उनका। तो यहाँ सब नाच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सब बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड में है ना वो ये रिवाज नहीं होता है, और आई थिंक हिमाचल के अलावा ये रिवाज कहीं नहीं होता है जिसमें मामा का इतने अच्छे से स्वागत किया जाता है। वैसे सब अपने अलग अलग रिचुअल्स के हिसाब से स्वागत किए करते हैं, बट ये जो हिमाचल में ना
अलग तरीके से किया जाता है जो मामा का स्वागत। तो वीडियो पसंद आती है ना तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। क्योंकि मैं हर जगह कैमरा लेके खड़ी नहीं हो सकती हूँ, तो मेरी भांजी, मेरी भतीजी और मेरे जेठ जी ने भी मेरी हेल्प की, मेरे हस्बैंड ने भी, सब ने मेरी हेल्प की है वीडियो बनाने के लिए। और अब आगे जो ब्लॉगिंग करेंगे छोटी मोटी वो मेरे जेठ जी करेंगे। तो वीडियो पसंद आती है तो आपको पता ही है वो क्या करना है, बने रहिएगा मेरे साथ। आरा के पापा भी लगे हुए यहाँ पर, हाय कर दे, ब्लॉग लग रहा है, ब्लॉग लग रहा है, हाँ एडिट कर लिया ना बाद में, हाँ तो म्यूजिक देना पड़ेगा। यहाँ देखिए जगह नहीं मिली थोड़ा सा कि ऊपर ही बनाऊंगा मैं। तो यहाँ पे अब चौकी चढ़ा रहे हैं मामा के फैमिली वाले को, जैसे कि मामा जी, उनके बच्चे, सबको चौकी चढ़ाते हैं, उनकी आरती उठाते हैं, उनको जो गिफ्ट है वो देते हैं। तो यहाँ वही भी रिचुअल्स हो रहे हैं। तो जैसे अभी मामी और कर रहे हैं हम कहते अपने मायके वालों को, वैसे ही जो मायके वाले हैं वो मामी और को करेंगे और उनको जो भी गिफ्ट्स होते हैं वो देंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिचुअल्स होते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है देखते हुए भी। और अपने बच्चों को ये सब में इन्वॉल्व करना चाहिए। मैं कहीं भी शादी में जाती हूँ तो मैं आरा को दिखाती हूँ कि किस तरीके से किया जाता है सब कुछ। तो ये वही रिचुअल्स हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर जाइए जी, यहाँ देखो मेरी दीदी और की टोली बैठी हुई, हेलो। वो जो पीछे है मेरी सबसे बड़ी जेठानी है, उसके बाद ये मेरी दीदी जो कि मेरी जेठानी भी है, फिर उसके बाद ये है मेरी उनसे छोटी वाली, नहीं ये दोनों बराबर के हैं। यहाँ पे लग चुका है खाना, खाने में था पापड़, गुड़खाली चटनी जो कि हमारे यहाँ बनती है, और राइस, चिकन करी, एग करी एंड पनीर मसाला। तो बहुत टेस्टी बना था खाना और मेरे हस्बैंड कर रहे थे इस टाइम ब्लॉगिंग और मैंने भी खाना डाल लिया था अपना। तो आप भी आ जाइए और खा लीजिए खाना मामा स्वागत वाला। तो यहाँ पे बच्चे और भी सब मस्ती कर रहे हैं। आरव, ये आरव का फ्रेंड है जॉय, वो मेरा भांजा है माहिर, डुगू इसका नाम। और इसके बाद होने लगी थी बहुत तेज़ बारिश और सब एंजॉय कर रहे थे, बट मैं नहीं नाची और ना ही मैं भीगी हूँ। और आप सबको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना। और ये सिर्फ मैंने हल्दी और मामा स्वागत की वीडियो डाली है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आपको पता ही कोई वॉच नहीं करता है। और जो ये सहरा बंदी की वीडियो होगी वो मैं कल अगली ब्लॉग में, यानी कि बारात वाली ब्लॉग में ऐड कर दूंगी। तो आप सब मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब करें न्यू है तो। तो चलिए फिर कर देती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत आप सभी को।